सवाल यह है कि क्या ईरान कुछ छुपाना चाहता है या फिर इसके पीछे ईरान की कोई रणनीति है। सवाल यह भी कि क्या इसराइल के इस हमले का अहम मकसद ईरान को बड़े युद्ध की तैयारी का संदेश देना था। इसराइल ने जिस तारीख को ईरान पर हमले के लिए चुना है उससे भी बहुत कुछ साफ हो रहा है। हमले के कई घंटे बाद अब धीरे धीरे इसराइल के स्ट्राइक के तमाम राज खुलना शुरू हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। ईरान के इस्फहान शहर पर हुए हमले में एक साथ इसराइल के कई खौफनाक और खतरनाक संदेश छुपे हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसराइल का हमला 19 अप्रैल को हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई अपना 85वां जन्मदिन मना रहे थे। इसराइल ने ईरान से अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। ईरान के समय के मुताबिक सुबह तड़के 5 बजे के करीब ईरान के इस महान शहर पर इसराइल का हमला हुआ। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि इसराइल ने 3 ड्रोन से ईरान के इस महान शहर पर हमला किया। इसराइल के तीनों ड्रोन जमीन पर विस्फोट होते उससे पहले इस महान में मौजूद ईरान की एयर डिफेंस बैटरी के द्वारा 3 ड्रोन आसमान में ही मार दिए गए। अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया है कि इसराइल की एक मिसाइल ने ईरान के हवाई अड्डे पर हमला किया। इस पर भी ईरान की सरकारी टीवी ने अखबार के दावे को गलत बताते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया गया है। ईरान ने यह भी बताया कि इसराइल ने जिस ड्रोन से हमला किया उसे तकनीकी भाषा में क्वाडकॉप्टर कहा जाता है। क्वाडकॉप्टर एक तरह का मानव रहित हेलीकॉप्टर या मल्टीकॉप्टर होता है जिसमें 4 रोटर होते हैं। इसमें ड्रोन की तरह बेहतरीन क्षमता वाले कैमरे लगाए जा सकते हैं। वेस्ट बैंक में हमलों के लिए क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल इसराइल हमेशा करता रहा है। क्वाडकॉप्टर न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। ईरान अपने सरकारी टीवी के माध्यम से भले ही बड़े बड़े दावे कर रहा है लेकिन उसने इसराइल के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन सच ये भी है कि फिलिस्तीन में रिपोर्टिंग कर रहे अरबी भाषा की एक न्यूज वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि ईरान के रक्षा विशेषज्ञ इस्फहान में ड्रोन अटैक को इसराइल की बहुत बड़ी चेतावनी और ईरान की बड़ी नाकामी भी मान रहे हैं। इसकी वजह है इस्फहान की लोकेशन। दरअसल ईरान का ये शहर ईरान इराक के पश्चिमी बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर है। यानी संभावना जताई जा रही है कि इसराइल का ड्रोन इस्लामी मुल्क जॉर्डन और इराक के आसमान को पार करके ईरान के अंदर बॉर्डर से 700 किलोमीटर अंदर तक घुस गया। इस महान शहर भी ईरान की राजधानी तेहरान से लगभग 445 किलोमीटर दूर है और इसराइल की राजधानी तेल अवीव से इस्फहान की दूरी लगभग 1995 किलोमीटर है। ईरान के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के 700 किलोमीटर अंदर तक इसराइल का ड्रोन घुसाना ईरान की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। आखिर इसराइल के इस्फहान शहर पर ही हमला क्यों किया गया? इस्फहान को हमले के लिए चुनकर भी इसराइल ने एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल इस्फहान में ईरान के कई बड़े मिलिट्री बेस भी हैं। दावा किया जाता है कि इस्फहान के अंदर भूमिगत परमाणु केंद्र हैं। दूसरी तरफ ईरान के इस्फहान शहर के आसपास के शहरों में परमाणु ठिकाने होने के भी दावे किए जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इसराइल ने ये संकेत दिए हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकाने इसराइल के हमले से दूर नहीं है और इसराइल ईरान के अंदर घुसकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है। बड़ी बात यह भी है कि जैसे इसराइल का हमला हुआ वैसे ही ईरान की राजधानी तेहरान, ईरान के शहर इस्फहान और शिराज में एयर ट्रैफिक 0 कर दिया गया। यानी यहां पर आने वाली सारी सिविलियन फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ घंटों के बाद एयर ट्रैफिक दोबारा सामान्य कर दिया गया। इसराइल के हमले के फौरन बाद ही ईरान के अंदर एक इमरजेंसी मीटिंग शुरू हुई। मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि इसराइल के हमले का जवाब किस तरह से दिया जाए। हमले के बाद पहला बयान, ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया कि इसराइल के हमले का समुचित जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के उप विदेश मंत्री अली बागी पहले ही ये कह चुके हैं कि ईरान इसराइल पर हमला करने के लिए 2 हफ्ते का इंतजार नहीं करेगा बल्कि सेकंडों में मिसाइल से इसराइल को दहला देगा।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बयान दिया है कि उन्होंने इजराइल और ईरान दोनों ही सरकारों से फोन पर बातचीत की है और दोनों देशों की तरफ से संदेश दिया गया है कि वो युद्ध को भड़काना नहीं चाहते। इजराइल की सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गोर ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें इजरायली सरकार के हमले को काफी कमजोर बताया गया है। हालांकि रविवार को बेन गोर ने पोस्ट किया था कि इजराइल ने बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान के हमले से अपना बचाव किया है, लेकिन अब ईरान को कुचलने वाला हमला होना चाहिए। लेकिन इजराइल की मौजूदा प्रतिक्रिया से बेन गोर निराश नजर आ रहे हैं। इस पर इजराइल के विपक्ष के नेता यावर लैपिडी ने कहा है कि जितना नुकसान इजराइल की छवि का इजराइल के मौजूदा सुरक्षा मंत्री ने किया है उतना इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। जबकि ईरान समर्थक एक्स हैंडल्स कह रहे हैं कि इजराइल की सरकार खुद ही अपना मजाक उड़ा रही है। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस की क्षमता का आकलन करने के लिए एक सीमित हमला किया है जो आगे जाकर ईरान की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय बनेगा।